अच्छे से बैठो। कैसा लगता है बताओ? अच्छा लगता है, लेकिन सारी ताकत तो इसमें है, इस पेन में। तुमने कोई ताकत नहीं है, तुम इस पेन से कुछ कर सकते हो, है ना? तो तुमने फैसला कर दिया कि भाई इतना क्यों जाएगा, मेरी बात क्यों होती है? ये एक तुम्हारा क्यों होता है? मुझे क्यों होता है? आप एक्सपर्ट हैं, आप आना रहे, आप बैठ बैठ, बाकी लोग बैठना है। इतनी है और कुछ नहीं करती फैक्ट्री है कि नहीं? फैक्ट्री भी बहुत बड़ी रोड नहीं है, आज क्या क्या सिखाया कलेक्टर साहब ने? सर, कलेक्टर साहब ने ये सिखाया कि जो कलेक्टर होता है वो जिले का मालिक नौकर होता है, किस तरह से उनको काम करना पड़ता है। वो जो हेड होते हैं, फिर उनके नीचे उनसे नीचे फिर वो होते हैं ADM, फिर उनसे नीचे SDM होते हैं, फिर उनसे नीचे बाबू होते हैं, तो वो सब काम करते हैं। कुछ दिया भी है आपको, पेशा एक्ट के बारे में भी बताया है? यस सर, पेशा एक्ट के बारे में उन्होंने मेरे को किताब दी है, राजपथ। गाड़ी में बैठ के घूमे, कुर्सी में बैठे, कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी सर जब कलेक्टर को एक दिन कलेक्टर की कुर्सी में बैठा, कार्रवाई देखी, आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या उम्मीद करते हैं? आज मैं अपने बेटे को एज ए कलेक्टर साहब ने जो उपहार सौगात हमको दी, हम धन हो गए
और कलेक्टर साहब का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने हमारे बेटे को इस लायक बनने के लिए एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शन, एक उत्साह, आशीर्वाद स्वरूप जो उन्होंने दिया है, मैं मानता हूं कि भविष्य में फलीभूत होगा। और जिस तरह से हमारे संविधान में वर्णित कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे और उसके प्रत्येक नागरिक को, भारत देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी एरिया का हो, उसको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए संविधान में जो हम अपने मूल्यों को, आदर्शों को दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सी शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी पेटर द्वारा संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं, उसके आधार पर हमारा भारत देश तभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा जब इस देश का प्रत्येक नागरिक समृद्ध होगा, प्रत्येक बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार मिलेगा, उनको अच्छा पोषण मिलेगा। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस देश के प्रत्येक बच्चे को और इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, इस संसार में जितने भी बच्चे हैं, ये हमारे युवा हैं, ये हमारे भविष्य हैं, इनको हर एक बच्चे को, मैं ये नहीं कहता हूं कि आज मेरा बच्चा कलेक्टर साहब की कुर्सी पर बैठा है, कलेक्टर साहब ने उनको जो सौगात दी है, मेरे बच्चे को बस नहीं, प्रत्येक बच्चे को, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार मिले, हर बच्चे का अच्छा पोषण हो, सर्वांगीण उसका विकास हो, तभी हमारा भारत देश समृद्ध होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। क्योंकि जब हमारे देश से प्रत्येक नागरिक समृद्ध होगा तो हमारा देश अपने आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा और विश्व में जिस तरह से विश्व गुरु की बात हम करते हैं तो हमारा भारत देश एक आदर्श के रूप में विश्व में अपनी एक कीर्तिमान स्थापित करेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको कैसा लग रहा है आज एक दिन का लड़का कलेक्टर बना है, भले नाम मात्र का, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं? हम धन धन हो गए, भगवान का लाख लाख शुक्रिया है, परमात्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हमको उपहार स्वरूप इतना अच्छा बेटा, संस्कारवान, गुणवान और सुसभ्य उपहार स्वरूप परमात्मा ने हमको जो बेटा दिया है उसके लिए परमात्मा का कोटि कोटि प्रणाम। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।